तो गाइस स्टेट एसएमपी के लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से ड्रीम बॉय ने आके मेरे को ग्लिच के क्लोन से बचाया एंड फिर किस तरीके से हम दोनों प्लानिंग के साथ उन तीनों से लड़ते हैं। देन इसके बाद हीरो ब्राइन ड्रीम बॉय को छोड़कर जैसे ही वापस आता है तभी मल्टीवर्स एविल हीरो ब्राइन और नल मुझे और हीरो ब्राइन को अकेला देखकर हम पर हमला कर देते हैं। अब वो हीरो ब्राइन को ऑलमोस्ट मार ही देते लेकिन तभी एंट्री होती है नए एंटिटी की। एंड गाइस आज के इस वाले एपिसोड में हम उसी न्यू एंटिटी को जानने वाले हैं और देखते हैं कि वो गुड है या और साथ ही वो न्यू एंटिटी कहां से आया और उसके आने का पर्पस क्या है वो भी हमें पता करना है और साथ ही हमें अपने गायब हुए सारे दोस्तों का भी पता लगाना है। तो गाइस इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े गाइस जल्दी से इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना। देखो एक लाइक करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा लेकिन हमें इसी चीज से मोटिवेशन मिलती है ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए। एंड साथ ही गाइस मैंने एक चैलेंज लिया है कि अगर मेरे बर्थडे यानी कि 27 मई से पहले आप मेरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा देते हो तो मैं गंजा होऊंगा वो भी ऑन स्ट्रीम। एंड अब इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 291K सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे को स्ट्रीम पर गंजा होता हुआ देखना चाहते हो तो। एंड गाइस इसी के साथ चलते हैं आज के इस वाले धमाकेदार एपिसोड की तरफ। भाई अब तुम हो कौन और भाई हीरो ब्राइन तुम जानते हो इसको। हेलो ब्रो देखो तुमने अभी जस्ट हमारी हेल्प करी है इसका मतलब तुम फ्रेंडली तो हो बट तुम कौन और कहां से आए और तुमने हमारी हेल्प कैसे करी और ये एकदम से जो तुम सीधे सामने लेके आते हो ये कैसे करते हो कैसे मतलब एक यहां पे मैं खड़ा हुआ था और मैंने लास्ट टाइम हीरो ब्राइन को वहां लड़ते हुए देखा था और उसके बाद जस्ट अगले ही सेकंड में हीरो ब्राइन मेरी आंखों के सामने खड़ा था और वहां पे इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे किया तुमने ये। ओके गाइज ये दोनों बात करने लगे। भाई ये जो भी है गाइज बहुत ही ज्यादा क्रेजी है मतलब ये बंदा कौन है कहाँ से आया कुछ नहीं पता। ओके हीरो ब्राइन फिलहाल के लिए इससे बात कर रहा है और मेरे को भी इसकी बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है बट मैं पहले हीरो ब्राइन से बात करूंगा कि ये बंदा हीरो ब्राइन से क्या कह रहा है देन मैं आपको बताऊंगा। भाई यहाँ पे इनकी कुछ तो सीरियस बातें चली है बट गाइज ये जो भी बंदा है ना मैं थोड़ा दूर आता हूँ। गाइज ये जो भी बंदा है ना ये जहां से भी आया है भाई अगर ये हमारी टीम में आ जाए ना तो हमारी टीम लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से इस बंदे ने फाइट करी है ना और जैसे वो मल्टीवर्स हीरो ब्राइन और नल दुम दबा के भागे हैं भाई ये बंदा हमारी टीम में होना चाहिए। और भाई ये ओके ये दोनों अभी तक बातें कर रहे हैं और अरे हीरो ब्राइन भाई इनकी लड़ाई ना हो जाए हीरो ब्राइन प्यार से भाई ये कुछ बातें कर रहे हैं आपस में और मेरे हिसाब से ओ भाई भाई हेलो ब्रो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हीरो ब्राइन क्या बात हुई क्या बोला इसने क्या ये डेड लोड को ढूंढ रहा है भाई डेड लोड को तो हम भी ढूंढ रहे हैं इसको पता है डेड लोड कहाँ है और ये बंदा है कौन इसने अपना नाम बताया ये क्या करने वाला ये वेट व्हाट ओए भाई ओके विदर ये विदर ओके एक सेकेंड इसके सिर पे क्राउन है क्या इसका नाम विदर है इसका नाम विदर किंग विदर प्रिंस नहीं क्या विदर किंग लेट्स गो इसका नाम विदर किंग है। ओ भाई तभी ये विदर्स को कंट्रोल कर सकता है। डेड लोड भी तुम्हारी तरह है कुछ वो भी स्केलेटन्स को विदर स्केलेटन्स को इनको कंट्रोल कर सकता है और विदर्स को भी बट क्या तुम्हें पता है डेड लोड कहाँ पर है इसको पता है डेड लोड कहाँ है डेड लोड हम भी उसको ढूंढ रहे हैं नहीं पता इसे हमें भी नहीं पता। डेड लोड कुछ टाइम तक हमारे साथ था और मतलब वो हमारी टीम में था और उसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। जिस टाइम हीरो ब्राइन सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत में था तब डेड लोड ने हमारा साथ दिया बट पता नहीं क्यों वो एकदम से गायब हो गया और उसका कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन तुम डेड लोड को क्यों ढूंढ रहे हो हीरो ब्राइन इससे पूछो ये डेड लोड को क्यों ढूंढ रहा है और इसको जल्दी बताओ ना हम जिस हिसाब से बात करते हैं वो सिखाओ इसको जिससे कि मैं भी इसकी बातें समझ पाऊं। ओके गाइज ये बात हम चलते चलते भी कर सकते हैं हमें ऋषभ को और अपनी गैंग को ढूंढना है उनका कुछ भी अता पता नहीं है तुम चलते चलते बता सकते हो। ओके लेट्स गो वेदर भी साफ हो गया ये ठीक है हीरो ब्राइन बताया इसने ये डाउनलोड क्यों ढूंढ रहा है नहीं अरे यार भाई देखो फिलहाल के लिए तुम्हारा और हमारा मकसद एक ही एक तरीके से हमें अपने टीममेट्स को भी ढूंढना है और डेड लोड को भी और तुम्हें डेड लोड को तो तुम इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो ठीक है बट सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे आए और तुमने हमारी हेल्प क्यों करी तो मतलब कहाँ से हो कैसे क्या हो तुम चलते चलते बात कर सकते हो मैं इतने जल्दी जल्दी जाके टेड एसएमपी के क्लोज जाता हूँ गाइस वहां पे उनकी बातें चल रही हैं और फिलहाल के लिए हमको इस नए बंदे को भी जानना है और अपने टीममेट्स को भी ढूंढना है। भाई पता नहीं यार वो किस मुसीबत में होंगे ऋषभ एंटिटी साइंटिस्ट और अच्छा वाला एंटिटी भाई वो सभी के सभी मुसीबत में होंगे यार जल्द से जल्द उनका पता लगाना पड़ेगा। एक बार हम वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी इस पुरानी टेड एसएमपी में क्या पता इसमें हमको कोई सुराग मिल जाए क्या पता मल्टीवर्स एविल हीरो ब्राइन और नल ने कुछ करा हो और वो अभी जब हमसे लड़ने आए थे तो अभी उन्होंने मतलब हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करी हो। हीरो ब्राइन
बताया इसने ये नहीं अभी तक? रुब्राइन बताया इसने? क्या 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 बताया? क्या इसने बताया ये कौन है और कहां से आया है? नहीं, और इसने हमारी हेल्प क्यों करी वहां पर, ये बताया क्यों? अच्छा, गाइस, विदर किंग ने पता है हमारी हेल्प क्यों करी? क्योंकि विदर किंग ने पहली बार किसी एंटिटी को एक नॉर्मल प्लेयर के लिए लड़ते हुए देखा है। मतलब कि वहां पर हीरो ब्राइन जब मेरे लिए लड़ रहा था तो यही चीज विदर किंग ने देखी और उसने हमारी हेल्प करी। मतलब हीरो ब्राइन बोल रहा है कि उसने ऐसा पहली बार देखा कि कोई एंटिटी किसी नॉर्मल प्लेयर के लिए लड़ रहा है। वरना एंटिटीज अधिकतर नॉर्मल प्लेयर्स को दुश्मन मानते हैं अपना, बट यहां पर उसने ये चीज यूनिक देखी इसलिए उसने हमारी हेल्प करी। ओह माय गॉड भाई, ठीक है। तो गाइस फटाफट देखो प्लान ये है। वो कहां गया? ओ बोरा, मेरा सर में तो डरी गया था, वो मेरे स्टैचू का हेड है। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए हमारा ये मिशन है कि टेडी सेम्पी का एक एक कोना छान मारो और कोई भी अगर कोई भी प्रूफ मिलता है कुछ भी, तुम वैसे हमारे टीममेट्स को नहीं जानते बट तुम डेड लॉर्ड को जानते हो, तो तुम्हें अगर डेड लॉर्ड से रिलेटेड कुछ भी दिखता है तो तुम फटाफट आके मेरे को बताना। और हीरो ब्राइन, तुम्हें हमारे टीममेट्स से रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो तुम मुझे आकर बताना, ठीक है? और क्योंकि मैं तो नॉर्मल प्लेयर हूं तो मैं ज्यादा तो नहीं ढूंढ पाऊंगा, सब कुछ तुम दोनों के भरोसे, तो जल्दी जाओ। ओके हाँ ठीक है, मेरे पास हाँ एंचेंटेड गोल्डन एप्पल तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, थैंक यू सो मच, बस इनफ है। ठीक है जाओ, अब तुम जल्दी काम पे लग जाओ। गाइस तुम दोनों जल्दी काम पे लग जाओ। ओके ये दोनों शायद काम बांट रहे हैं आपस में, लेट्स गो भाई। अब मैं भी चलता हूँ इधर उधर सुराग ढूंढने। गाइस यहाँ पे पानी के अंदर तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे को नॉर्मल ही दिख रहा है। भाई हमारी टेडी एसएमपी कितनी प्यारी हुआ करती थी यार, इसका क्या हाल हो चुका है ये। ओके हीरो ब्राइन ध्यान से देखना, गाइज मैंने यहाँ पे आसपास की सारी जगह देख ली, मैंने पानी के अंदर हर एक जगह देख ली बट मेरे को कुछ भी सस्पिशियस सा नहीं दिखा। और वहां पे वो कौन है? विदर किंग, अपने लेफ्ट में देखो विदर किंग। ओके गाइज विदर किंग जल्दी इधर आओ भाई प्लीज, ये कुछ खुशखबरी लाओ। हेलो हीरो ब्राइन, गाइज तुम्हें कुछ मिला? हीरो ब्राइन विदर किंग से पूछना इसे कुछ मिला कि नहीं, इसे कुछ मिला? नहीं बोल रहा है शायद, ये नहीं मिला। और तुम्हें नहीं? तो अब तो एक ही तरीका है कि हम अपनी न्यू वाली टेडी एसएमपी के पास जाएं और वहां पर देखें। तो चलो हीरो ब्राइन हमें अपनी न्यू वाली टेडी एसएमपी के पास लेके चलो, लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपनी नई टेडी एसएमपी पे। विदर किंग जल्दी आओ। हीरो ब्राइन इसको मतलब हमारे बात करने का तरीका समझाओ ना, जिससे मैं भी इससे बात कर पाऊँ और समझ पाऊँ। तुम इसको वो लैंग्वेज सिखाते रहो और इतने लेट्स गो, हम अपनी टेडी एसएमपी में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमको कोई क्लू मिलता है या फिर नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं और हीरो ब्राइन इसी टेडी एसएमपी के पुराने वर्जन में गए थे तब हमने ऋषभ को और बाकी के अपने दोस्तों को यहीं पर देखा था, लेकिन जब हम वापस आए विदर स्ट्रॉम को हराकर तो उनका कुछ भी अता पता नहीं था। क्या हुआ हीरो ब्राइन, क्या हुआ? क्या इसको टेडी एसएमपी नहीं दिख रही? इसको आगे नॉर्मल चीजें दिख रही है? हाँ मैं समझ गया, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? समझ गया, तुम्हारी बात तो समझ ही लेता हूँ मैं। हाँ तो मैं समझ गया। ओके तो ये शायद उस वजह से भाई साइंटिस्ट ने ना इन दीवारों पे कुछ ऐसे किया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि कोई भी बाहर का बंदा हमारी टेडी एसएमपी को नहीं देख सकता, तो इसके लिए इसको एक बार हमारे साथ टेडी एसएमपी के अंदर आना पड़ेगा। तो इसको बोलो जस्ट हम पे भरोसा रखे और हमारे साथ साथ आता रहे, ठीक है? जल्दी आओ, अगर तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो तो तुम जस्ट मेरे पीछे आना, मेरे पे भरोसा रखना, ठीक है? जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। तुम्हें अब कुछ दिखा? कुछ दिखा? इससे पूछो कुछ दिखा इसे, ये कहाँ जा रहा है? इसको दिखा? दिख गया? अच्छा अच्छा अभी इधर उधर देख रहा है, तो इसको बताओ हीरो ब्राइन यार इसको सिखाओ ना जल्दी, मेरे को इससे बातें करनी है। तो चलो गाइस फिलहाल के लिए मैंने ऋषभ और बाकी के अपने दोस्तों को वहां पर देखा था उस सामने वाले मीटिंग हॉल में, मैं फटाफट वहां पर चलता हूँ। लेट्स गो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वहीं से एंड यहां पर चलते हैं। फिलहाल के लिए तो हमारी टेडी एसएमपी एकदम सुनसान पड़ी है, कोई भी मेरे को नहीं दिख रहा। और लास्ट टाइम मैंने उनको कहां देखा था गाइस? आसपास भी कोई नहीं। ओह वेट शिट ग्लिच,
लेट्स गो। अरे एक सेकंड, वेट, ये पीटर किंग ने कुछ किया, पीटर किंग ने कुछ किया। ठीक है, नीचे की तरफ ग्लिस्टा, यहाँ पे कुछ लगा क्यों नहीं पा रहा मैं। ठीक है, नीचे की तरफ ग्लिस्टा, जल्दी उसको देखो, वो कुछ तो कर रहा होगा। क्या कर रहा है वो जा रहा, वो जा रहा, वो कहाँ जा रहा है? एक सेकंड, ये जिस हिसाब से ऐसे चल रहा है मेरे को लग रहा है ये ओरिजिनल वाला ग्लिच है। ये मेरे को उसका क्लोन लग रहा है, जिसको कुछ ना कुछ शायद हो सकता है कि हमें ढूंढने के लिए बोला। विजर किंग थोड़ा संभल के वो हमें देख ना ले, वो यहीं कहीं गया है। कहाँ गया वो? एक सेकंड, मतलब ये जो ग्लिच का, ओ ये घूम रहा, छुपो 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 छुपो, वो ग्लिच देख लेगा विजर किंग, छुपो जल्दी। ओके, ये यहीं कहीं घूम रहा है। ओके, मतलब कि ये काम ग्लिच का है, 100% श्योर हो चुका हूँ मैं। छुपे रहना हीरो ब्रेन, तुम भी छुपे रहना, क्योंकि ग्लिच ने हमारी टेडी एसएमपी में अपने क्लोन्स को छोड़ रखा है, जिससे कि हम जैसे टेडी एसएमपी में दिखे वो ये तुरंत उसको इन्फॉर्म कर दे और वो यहाँ पर आ जाए। तो विदर किंग, तुम्हें ग्लिच के बारे में कुछ नहीं पता होगा, ठीक है? ग्लिच एक ऐसा एंटिटी है जो कि जिससे भी लड़ता है ना वो उसकी पावर्स को कॉपी कर लेता है, और फिलहाल के लिए आई एम 99% श्योर कि उसने हमारे सारे टीममेट्स को किडनैप किया है, और हमें जल्द से जल्द अपने दोस्तों को उसके चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो किसी की भी पावर को कॉपी कर लेता है, किसी की भी स्किल को कॉपी कर लेता है, और उसने साइंटिस्ट को जब से किडनैप किया है ना, तब से उसने पता नहीं साइंटिस्ट का ब्रेन यूज करके बहुत सारे क्लोन्स बना लिए हैं, और अभी पता नहीं वो क्या क्या इन्वेंट कर रहा होगा साइंटिस्ट का यूज करके। और तो और, अब तो हमारे एंटिटीज भी उसके कब्जे में, तो पता नहीं वो क्या कर लेगा बंदा। विदर किंग, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है, तो चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हीरो ब्राइन जल्दी आओ नीचे, हमें निकालो यहाँ से जल्दी, किसी रैंडम जगह पे लेके चलो जल्दी, लेट्स गो। ठीक है गाइस, हम अपने टेडी एसएमपी के थोड़े से ही पास हैं, ठीक है, बेस्ट जगह हीरो ब्राइन। तो देखो, उसने वहां पे अपने क्लोन छोड़ रखे हैं, मतलब 100% श्योर है कि उसने हमारे टीममेट्स को किडनैप किया है, और वो हमारे इसी वर्ल्ड में होगा कहीं भी ना कहीं पर। तो तुम दोनों को जाकर फटाफट देखना पड़ेगा कि आखिर उसने कहीं पर कुछ तो बनाया होगा, ठीक है? कुछ भी अजीब सा, यूनिक सा बिल्ड या स्ट्रक्चर या कुछ भी दिखे ना, तो तुरंत मेरे को बताना, मतलब वापिस आना और मेरे को वहां पे लेके चलना, ठीक है? और बाकी जो भी प्लान होगा वो मैं सोचता हूँ इतने, और टेंशन मतलब अगर मैं किसी भी मुसीबत में हुआ तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा, तुम मेरे को तुरंत बचाने आ जाना। बट जिस हिसाब से विदर किंग ने मल्टीवर्स एविल हीरो ब्राइन और नल की धुलाई की है ना, मेरे हिसाब से वो शायद ही अब आएंगे, ठीक है? तो मैं भी ढूंढता हूँ इधर आसपास, और तुम भी जाओ जल्दी ढूंढो। गाइस जल्दी मिलते हैं, बाय। तो चलो गाइस फटाफट, अब मेरे को भी देखना कि हमारी स्टेडी एसएमपी के वर्ल्ड में कुछ अजीब सी दिखने वाली चीज तो नहीं है, और अगर होगी तो जस्ट मेरे को तुरंत हीरो ब्राइन और विदर किंग को बुलाना पड़ेगा। भाई हमारी गैंग में अब एक लिटरली ऐसा बंदा आ चुका है जो मतलब एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है, मतलब उसकी पावर्स को भी मैं और भी अच्छे से समझ नहीं पाया। टाइम मिलेगा तो भाई उससे बैठ के अच्छे से बातचीत करूंगा जब वो हमारी लैंग्वेज समझ जाएगा। गाइस मेरे को यहाँ पे दूर दो, ये क्या ग्लिच? भाई साहब, इस बंदे ने हार्ट अटैक दे दिया था। एक सेकंड, ये यहाँ पे क्यों आया है? इसको लगता है कुछ मिल गया, ये मेरे को कुछ बताना चाह रहा है। हीरो ब्राइन, तुम अगर मेरे को सुन सकते हो तो जल्दी मेरे पास आओ, कुछ तो मिला। ओ हीरो ब्राइन, लेट्स गो। हीरो ब्राइन, ये कुछ कह रहा है, इसकी बात सुनो जल्दी 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 जल्दी। क्या हुआ? क्या कहना चाह रहा है ये? क्या? अच्छा, इसने वहां पे किसी रेड कलर के बंदे को देखा। ओके, आई एम डैम श्योर, 100% श्योर वो ग्लिच है। ओके, तो फाइनली गाइज हमने ग्लिच का ठिकाना ढूंढ लिया है, और हो सकता है कि हमें हमारे सारे दोस्त वहां पे मिल जाए। तो गाइज पिछले 3 घंटे से मैंने सोच के एक मस्त सा प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में ये विदर किंग है ये कर क्या सकता है, मतलब इसकी पावर्स क्या है। एग्जैक्टली मैं इसकी पावर्स को समझना चाहता हूँ हीरो ब्राइन, ये क्या कर सकता है, मतलब ये जो वो एक झटके में चीज करता है, मतलब एक ही सेकंड के अंदर वो कैसे करता है ये। ओके गाइज, ये दोनों बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली हीरो ब्राइन, क्या चल क्या रहा है? बट एक सेकेंड, इसने घड़ी ड्रॉप करी। क्या हीरो ब्राइन, क्या घड़ी? क्या एक सेकेंड, क्या है इस घड़ी में? क्लॉक? ओके, एक सेकेंड, ये टाइम फ्रीज कर सकता है ये बंदा, टाइम फ्रीज कर सकता है। ओ इसीलिए आप समझ में आया, मतलब हम वहां पर जो एकदम से चीजें होती हैं, मतलब वो हमें ऐसा लगता है एकदम से ये, बट ये बंदा टाइम फ्रीज करके वो सारी चीजें करता है। ओ माय गॉड, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा ओपी पावर है, मतलब ये किसी को भी मार सकता है एग्जैक्टली, अगर इसको पता चल जाए कि वो कैसे मरेगा और वो कितना ज्यादा पावरफुल है ना। तो ये कुछ भी, ओ शिट,
भाई ये बंदा हमारी टीम में लेट्स गो भाई है। अच्छा हुआ ये एविल टीम की साइड नहीं है, वरना भाई हमारे लग जाते हीरो ब्राइन। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये हमारी टीम में, ठीक है। और हीरो ब्राइन तुम साथ साथ ट्रांसलेट करके इसको बताते रहो, चलो फिर हमें वहां पे लेके चलो। लेट्स गो गाइस। ओके विदर किंग कहाँ है वो जगह? वो जगह कहाँ है? एक सेकेंड, ये सामने की तरफ जो पहाड़ है वो, वहां पे तुमने किसी बंदे को देखा है? ठीक है, तो आई एम 100% श्योर कि ग्लिच भी वहीं कहीं पे होगा। अगर उसके क्लोन्स वहां पे हैं तो मतलब वहां पे कुछ तो ऐसा है जो उसके क्लोन्स जिसकी रखवाली कर रहे हैं। तो ठीक है, अब तुम दोनों गायब हो जाओ। लेट्स गो भाई, यहां पर तो कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को। और ये उसने पहाड़ पे कुछ स्केरी सा बताया था। लेट्स गो। और यहाँ पे तो मेरे को गाइस कोई भी नहीं दिख रहा आसपास। ठीक है आगे चलता हूँ, यहाँ पे भी कोई नहीं दिख रहा। ओके वहाँ पे मेरे को एक रास्ता सा दिख रहा है कुछ। लेट्स गो। ओ वो कौन है? वहां पे मैंने ग्लिच के क्लोन को देखा, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। एंड विदर किंग अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो ठीक है गाइस, प्लान कुछ ऐसा है कि विदर किंग मैं जाऊंगा अकेले, ठीक है, और जहां पर भी वो ग्लिच का क्लोन होगा मैं उसके सामने जाऊंगा। और जैसे ही मैं उसके सामने जाऊं तभी तुम अपनी टाइम फ्रीज वाली पावर का यूज करके टाइम को फ्रीज करना, और उसके बाद उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना, और जितने भी ग्लिच के क्लोन दिखे उन सबको मार देना, और अंदर तुम उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना। अगर कहीं पर भी अगर हमारे टीममेट या फिर ग्लिच मेन ग्लिच दिखता है तुम्हें तो उससे तुम मत लड़ना, बस उसकी लोकेशन लेके आ जाना। टाइम फ्रीज करके उनको अपने वेपन्स के थ्रू मारेगा, और वो चीज जितनी भी बड़ी होगी, जो भी वो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग या फिर जो भी है, वहां पर हमारे दोस्तों को ढूंढेगा और वापस किसी जगह पे जाकर छुप जाएगा, और उसके बाद टाइम अनफ्रीज करेगा। और टाइम अनफ्रीज करते ही मेक श्योर कि वो सारे के सारे उसके क्लोन्स मर जाएं, और अगर वो हमको नहीं मिलते तो हम दूसरी जगह उनको ढूंढेंगे। बट अगर ग्लिच और हमारे दोस्त हमको मिल जाते हैं तो मैं ग्लिच को फाइट में उलझाऊंगा, तब तक तुम दोनों उसके सामने आओगे, क्योंकि वो जिससे भी लड़ता है उसकी पावर्स को कॉपी कर लेता है। और अगर विदर किंग गलती से भी ग्लिच के सामने गया तो ग्लिच विदर किंग की पावर्स को कॉपी करके टाइम फ्रीज कर लेगा, और पता नहीं उसके बाद तो वो बंदा क्या ही करेगा। तो विदर किंग को बोलो कि ये भूल कर भी कभी ग्लिच के सामने ना आए। उसके बाद क्या होगा कि जब उसके सारे क्लोन्स को तुम टाइम फ्रीज करके मार दोगे, तब मैं जाऊंगा उसके मेन बंदे से लड़ने, और वो जैसे ही मेरे से पीवीपी करने आएगा मैं उसको कहीं दूर ले जाऊंगा लड़ते लड़ते। तब हीरो ब्राइन तुम स्पॉन होना, हमारे जितने भी दोस्त और एंटिटी है उनको वहां से निकालना तुम दोनों मिलके, और वहां से गायब हो जाना। उसके बाद मैं उससे लड़ते लड़ते उससे स्केप करने की कोशिश करूंगा, और जैसे मैं उससे दूर पहुंच जाऊंगा हीरो ब्राइन मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम मेरे को वहां से निकाल के ले जाना। ठीक है, प्लान सिंपल है। चलो तो गाइस लग जाओ अपने अपने काम पे। विद व्हाट यू इतना बड़ा धमाका किस विदर किंग, लेट्स गो भाई। लगता है विदर किंग को मैंने जो करने को बोला था उसने वो कर दिया। विदर किंग क्या तुम अंदर जाके देख के आए उस जगह में? वहां पे और भी क्लोन्स थे इस बाहर वाले के अलावा?
और क्या तुमको कोई इनके जैसे दिखने वाला अलग सा बंदा दिखा? वो उनका बॉस होगा जरूर। और उसके आसपास क्या हमारे दोस्त दिखे? मतलब एक वाइट से कलर का एंटिटी है और एक नॉर्मल मेरे जैसे दिखने वाला मेरा दोस्त है, वो दिखे तुम्हें? वो दिखे? लेट्स गो। तो उनके आसपास कोई बंदा था ऐसे लाल सा दिखने वाला इनके जैसा? ओके, तो मतलब वही उनका बॉस है। लेट्स गो। इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी क्योंकि ग्लिच ने गाइस हमारे दोस्तों को किडनैप कर लिया। कैसे किया वो तो हमको ऋषभ ही बताएगा, लेकिन विदर किंग तुम उसके सामने तो नहीं गए थे ना, जो वो मेन वाला बंदा था? नहीं। चलो बहुत बढ़िया भाई, पता नहीं है वो बंदा क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो एक काम करो, फिलहाल के लिए ना जहाँ पर वो है मेरे को उससे थोड़ा दूर लेके चलो, मेरे को वहाँ पे टेलीपोर्ट करो। लेट्स गो। भाई साहब ये क्या बना दिया ग्लिच ने अंदर? ओ माय गॉड, इसने तो अपनी पूरी की पूरी सिटी बना ली यहाँ पे। विदर किंग मेक श्योर सारे उसके क्लोन्स मारे गए हैं ना? ओके ठीक है, तो अब वो कहाँ पे है? कहाँ है वो? ऊपर, मेरे को सीढ़ियों से ऊपर जाना है। ठीक है, तो फिर जाओ तुम और जैसे सही मौका मिले हमारे सारे दोस्तों को वहां से निकल के गायब हो जाना। ठीक है, और हीरो ब्राइन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, हीरो ब्राइन के साथ मिलके उनको निकाल लेना। ठीक है, ओके बाय बाय, गायब हो जाओ जल्दी बाय। चलो गाइस, फाइनली बहुत दिनों बाद हमें ग्लिच से मिलने वाला हूं, मेरे को तैयार हो जाना चाहिए। अब मेरे को पीपी करनी है उससे, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, एंड 3 2 1 लेट्स गो। भाई ये क्या है? एक सेकंड, मैं साइड में होके चलता हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ अंदर कोई है क्या, अंदर कौन कौन है। ओ भाई ये रहा ग्लिच। ठीक है दिखा 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 मेरे को। अब गाइस मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये तुरंत मेरे पीछे पड़ जाए, क्योंकि अभी के लिए इसके आसपास हमारे फ्रेंडली एंटिटीज भी होंगे, तो अगर इसने उनकी पावर से कॉपी किया तो ये मेरे को एक झटके में मार सकता है। इसलिए मेरे को इसको बहुत जल्दबाजी में इनसे दूर लेके जाना पड़ेगा। लेट्स गो। वो रहा, ठीक है। ओए ग्लिच आजा, भागो 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 भागो, कहीं एक झटके में मार दे मेरे को। नहीं 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 नहीं, जल्दी 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 जल्दी। भाई उसने मेरे को शायद देख तो लिया है। लेट्स गो। आ रहा है क्या? ओ आ गया भाई, ये तो आ जा रहा है। भागो जल्दी 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 जल्दी, आ गया। शिट 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 शिट, शायद अब ये एंटिटीज की पावर को कॉपी नहीं कर पा रहा, अब ये मेरी स्किल्स को कॉपी कर रहा है। जल्दी इसको थोड़ा और दूर लेके चलता हूँ। भाई कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। शिट शिट शिट, पानी आ जा। अरे आ गया नीरा। ठीक है, अभी ये नीचे है। लेट्स गो गाइस, तेरी ऐसी की ऐसी, आ जा बेटा। आ तो ये गया। ओके गाइस लेट्स गो, मेरे को जितना हो सके इसको दूर लेके जाना है, जिससे विदर किंग और हीरो ब्राइन अपना काम कर सके। विदर किंग और हीरो ब्राइन अगर तुम मेरे को सुन सकते हो तो जल्दी अपना काम स्टार्ट करो। ओ शिट, लेट्स गो भाई, काम करता है, इसको गिरा ही देता हूँ यहाँ से, कहीं मैं ना गिर जाऊँ। भाई रिस्क नहीं ले रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही पीवीपी जानता है, यहाँ पे लड़ना तो काफी ज्यादा रिस्की है। भाई एक काम करता हूँ, मेरे पास तो एंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, अगर मैं लावा में गिर गया तो जलूंगा नहीं। ओके आजा बेटा, तेरी ऐसी की तैसी, चल नीचे बाय। लेट्स गो। ओके भाई वो नीचे की तरफ गिरा है, क्या पता वो मर गया हो, क्योंकि अभी तो वो नॉर्मल प्लेयर है। चलो जाके देखता हूँ, एक सेकंड। ओह लेट्स गो, मैंने उसे मार दिया। यस गाइस देखो, वो यही कहीं गिरा था और अभी वो कहीं से भी बाहर नहीं निकला। मतलब एक सेकंड में कुछ, ये कहाँ से आया? ओह माय गॉड, इसके पास भी एंचेंटेड गोल्डन एप्पल थे। शिट, फिर तो मैंने नीचे गलती कर दी, मेरे को लगा ये मर गया होगा, पर ये मरा ही नहीं। कहीं जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। शिट 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 शिट, मेरे को लगा ये मर गया होगा। यार मैंने इसको ज्यादा हल्के में ले लिया। ओ बेटा मेरे को जाने दे प्लीज, जल्दी गाइस जल्दी 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 जल्दी। ओ शिट, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, मेरे को पानी हटाना पड़ेगा यहाँ से, और इसको ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा। आजा 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 बेटा आजा, तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। चलो गाइज मैं और ऊपर चलता हूँ। लेट्स गो गाइज, अब तो वो नीचे रह गया है और मेरे को जल्द से जल्द ऊपर जाना है। मेरे पास ब्लॉक्स भी है तो मैं उनका यूज भी कर सकता हूँ, मेरे को वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। ओ ये तो आ रही ऊपर, इसके पास भी वाटर बकेट है। व्हाट, ये क्या क्या बंदा है ये? जल्दी 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 जल्दी, अब मैं इसे पीछा कैसे छोड़ाऊं भाई? ये तो इसके पास जो जो चीजें मेरे पास है वो सारी की सारी चीजें इसके पास भी है। नहीं ये आ रहा है गाइस, मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? और अगर अभी मैंने हीरो ब्राइन को बुलाया अपने आप को गायब करने के लिए, तो ये हीरो ब्राइन की पावर को कॉपी कर लेगा, और हो सकता है फिर ये भी हमारे साथ आ जाए। गाइस इसने हमारे इतने सारे दोस्तों किडनैप किया था, मतलब ये कुछ तो प्लान कर रहा है, और ये क्या प्लान कर रहा है वही मेरे को पता करना है। फिर ऐसे की जैसे कहां गया ये रहा, कहां गया? ओ ये रहा भाई, ये ग्लिच हो रहा है। ओ शिट, ये कर क्या रहा है? नहीं आ जा। ओके गाइस, ये पानी में गिरा, मैं थोड़ा और भागता हूँ। लेट्स गो, इसको यहाँ से गिराने की कोशिश करता हूँ, इस माइंड में गिराता हूँ इसे। ओके अब मेरे को माइंड में गिराना पड़ेगा इसे। आ जा गाइस, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, जल्दी सोच डैडी कुछ। ओके ये माइंड कैसी है? ओके मैं इसको गिरा सकता हूँ, ठीक है आ जा। ओके
लेट्स गो। ठीक है अब जल्दी मैं यहाँ से निकलता हूँ और हीरो ब्रेन को बुलाता हूँ। लेट्स गो। ठीक है जल्दी इससे पहले वो ऊपर आए मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। चल लेट्स गो जल्दी लेट्स गो। ओह ये जगह थोड़ी सही लग रही है। हीरो ब्राइन चलती आओ यार, मेरे को यही सही टाइम है यहाँ से निकालने का। उस ग्लिच का कुछ पता नहीं। ओ लेट्स गो ग्लिच आ गया। सॉरी हीरो ब्राइन आ गया। हीरो ब्राइन जल्दी निकाले यहाँ से जल्दी। शिट मतलब वो कुछ तो खतरनाक बनाया है उसने।